स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम पीडीएफ को आसान तरीके से कैसे एनोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पीडीएफ फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसे एडिट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब हम कंप्यूटर में किसी भी तरह की फाइल को क्रिएट करते हैं तो हम उस फाइल को चेंज करने के लिए एडिट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल या टेक्स्ट फाइल को एडिट कर सकते हैं, बट हम पीडीएफ फाइल को इतने आसान तरीके से एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर हम पीडीएफ फाइल में कुछ चीजें लिखना भूल गए और अगर हमें उन्हें लिखना है तो उसे एडिट करने के लिए हमें भी लंबी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो पीडीएफ फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसको हम एडिट भी कर सकते हैं या फिर एनोटेट भी कर सकते हैं। एडिट करना मतलब उसके कंटेंट के अंदर चेंज करना, और एनोटेट करने का मतलब होता है एक पर्टिकुलर फाइल के ऊपर हम हमारे कमेंट्स लिख रहे हैं, ठीक है, जो कि उसके डेटा को चेंज नहीं करता है, बट उस फाइल में जो भी डेटा लिखा हुआ होता है हम उसके ऊपर कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम पीडीएफ को आसान तरीके से कैसे एनोटेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी पीडीएफ फाइल को आसान तरीके से एनोटेट कर सकते हैं। पीडीएफ को एनोटेट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आया है और अगर हमें उस डॉक्यूमेंट को चेक करना है या फिर उस डॉक्यूमेंट में कोई कमेंट करना है, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें पीडीएफ को एनोटेट करना पड़ता है, क्योंकि हम पीडीएफ के अंदर अलग से चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसे आसानी से एडिट नहीं कर सकते हैं जैसे कि हम बाकी डॉक्यूमेंट्स को कर सकते हैं। इसलिए हमें पीडीएफ को एनोटेट करने की ज़रूरत पड़ती है, और एनोटेशन करना एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है अगर आप पीडीएफ फाइल का यूज कर रहे हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल में अपने खुद के चेंजेस कर सकते हैं, और किसी और को अगर आपको वो चेंजेस प्रेजेंट करने हैं तो उन चेंजेस को आप आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि किसी और के द्वारा बनाया गया, अब आपने एनोटेट करके उसमें अपने चेंजेस भी प्रेजेंट कर दिए। अब उस डॉक्यूमेंट में दो तरह के डेटा होंगे, एक डेटा जो पहले किसी और ने बनाया और दूसरा डेटा जो आपने एनोटेट करके उसके अंदर प्रेजेंट करा है, ठीक है। तो इसी एनोटेशन को मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं पीडीएफ फाइल के अंदर या फिर इमेज के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास कोई इमेज आती है तो आप उसको भी एनोटेट कर सकते हैं। वैसे इमेज को एनोटेट करने के लिए कई सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि एमएस पेंट है, एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, बट यहाँ पे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम पीडीएफ और इमेजेस दोनों को ही एनोटेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लिंक्स दी हुई हैं, ठीक है। ये पहली लिंक है 32 बिट एप्लीकेशन के लिए, जो एप्लीकेशन मैं बताने वाला हूँ। अगर आपका सिस्टम जो है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है तो आपको इस लिंक को ओपन करना है। ये लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंशन कर दूंगा। आप मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है वहाँ पर जाके इन लिंक्स को चेक कर सकते हैं। और ये 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिंक है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 32 बिट है तो आपको 32 बिट वाली लिंक के ऊपर क्लिक करना है, और अगर 64 बिट है तो 64 बिट वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अब आप ये कैसे पता कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पे आपको स्टार्ट का बटन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट के बटन के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको कंप्यूटर दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको इस कंप्यूटर के ऑप्शन के ऊपर आके राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करना है। जब आप प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट है या 64 बिट है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है दोस्तों। तो ये लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आपको कॉपी नहीं करना है, आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के ऊपर क्लिक करना है, और आपको क्रोम ब्राउजर को ऐसे ओपन भी नहीं करना है। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्रोम ब्राउजर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो क्रोम ब्राउजर में ये लिंक इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो डाउनलोड का बटन है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है ये डाउनलोड हो जाएगी। जब वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी तो आपको इस फॉर्मेट में, जिप फॉर्मेट में वो एप्लीकेशन मिलेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी फाइल कंप्रेसर टूल का यूज करना है, जैसे कि आप विनरार का यूज कर सकते हैं या फिर विनजिप का यूज कर सकते हैं इस फाइल को अनजिप करने के लिए। तो आपको कैसे अनजिप करना है, आपके सिस्टम में विनरार या विनजिप को सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है। अगर आपने उन्हें इंस्टॉल करा हुआ होगा तो इस तरह का आइकन आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, आपको इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन एक मिलेगा, ठीक है। आपको इस एक्सट्रैक्ट हेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये करेंगे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, और इस फोल्डर के अंदर आपको सॉफ्टवेयर की जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, आपको इस फोल्डर को ओपन करना है। इसके अंदर आपको ये xjournal.exe की एक फाइल मिलेगी, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगी।
अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे एक मेन्यू बार दिया हुआ है जहाँ पे सारे मेन्यूज दिए हुए हैं, फिर एक टूल बार दिया हुआ है, उसके बाद एक और टूल बार दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइल का एक ऑप्शन है, एडिट का एक ऑप्शन है, व्यू का एक ऑप्शन है, ठीक है, मेन्यू में पेज का एक ऑप्शन है, ठीक है। कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, टूल्स का, ऑप्शन का, कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको खुद का कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाना है, तो जब आप इस एक्सटर्नल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल आपको दिखाई दे जाएगी। इसमें आप जो भी लिखेंगे और उसके बाद जब आप इसको सेव करेंगे तो ये एक इमेज के फॉर्मेट में या पीडीएफ के फॉर्मेट में डायरेक्टली सेव हो जाएगा। अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है जिसे आप एनोटेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको फाइल पे जाना है और यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट ये ओपन करता है। उसको डिस्कार्ड कर दीजिए और ये आपको एक ओपन का डायलॉग बॉक्स देगा जहाँ से आपको एक पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पीडीएफ फाइल सिलेक्ट होती है। यहाँ अगर आपको फाइल्स नहीं दिखाई दे रही हो इस ओपन के डायलॉग बॉक्स में, तो आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे ऑल फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको फाइल्स जो है वो दिखाई देने लग जाएंगी, ठीक है। देखिए फाइल्स जो है वो आ गई हैं, कई सारी फाइल्स यहाँ पे हैं जो आपको दिखाई देने लग जाएगी। जैसे एक ये फाइल है जिसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ये एक डमी पीडीएफ फाइल है जिसे मैंने यहाँ पे ओपन करा है। मान लीजिए मुझे इसको एनोटेट करना है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वो मुझे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी मुझे लिखना है। मान लीजिए मैंने लिख दिया दिस इज माय एनोटेशन इन पीडीएफ फाइल, ठीक है। अगर मुझे इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, यहाँ से मैं फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे फॉन्ट साइज का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो ये मेरा फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ गया है, तो इसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे सेव करना है, तो मैंने सेव के बटन के ऊपर क्लिक करा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसने फाइल के पीछे एक एक्सटेंशन लगा दिया है .xog। xog का मतलब होता है अभी ये जो फाइल को सेव कर रहा है ये एक्सटर्नल के एक्सटेंशन के साथ सेव कर रहा है, मतलब ये फाइल जो है वो पीडीएफ नहीं रहेगी, अभी एक्सटर्नल रहेगी। तो अगर आपको इस फाइल को जिसको आपने एनोटेट करा है उसको सेव करना है एक्सटर्नल के फॉर्मेट में नहीं, आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अगर सेव करना है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइल के ऊपर जाना है और सेव के ऑप्शन की जगह एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पीडीएफ आ गया है, ठीक है। तो आपको किसी भी एक पीडीएफ को हटा देना है, यहाँ पे आपको इस डॉक्यूमेंट के नाम में कुछ चेंज कर देना है या फिर इसकी जो लोकेशन है जहाँ पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेव है वहां पे सेव ना करके आपको किसी दूसरी लोकेशन पे इसे सेव कर देना है। जब आप इसे सेव करेंगे या तो आप फाइल के नाम में कुछ एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड कर दे, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू कर दिया, या फिर आप लोकेशन चेंज कर दें, ठीक है। तो आप ये चीज करके इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे सेव कर दिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज सेव हुई है कि नहीं हुई है। अब मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे ये फाइल थी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मेरी ओरिजिनल फाइल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीडीएफ क्रिएटेड टेस्ट पेज .pdf और आप देख सकते हैं कि ये मेरी नई फाइल है जिसको मैंने एनोटेट कर दिया। तो इस तरह से आप इस एक्सटर्नल का यूज करके अपनी पीडीएफ को जो है वो एनोटेट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप किसी इमेज को एनोटेट कर पाए तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको वापस अपने एक्सटर्नल पे जाना है, तो ये एक्सटर्नल है, इसको आपको वापस वहीं पे जाना है डाउनलोड्स के अंदर जहाँ पे आपने इसका एक नया फोल्डर बना के इसको एक्सट्रैक्ट करा था, उसको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो ये फिर एक नए पेज के साथ में ओपन होगा। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से टूल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप इमेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इमेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इमेज को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इमेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट के किसी भी एरिया पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप किसी भी इमेज को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं ये मैंने एक इमेज को ओपन कर लिया, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से ये पेंसिल के ऑप्शन पे चले जाइए। आपको कलर सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है। आप
आपने कलर ले लिया है, पेंसिल यूज कर रहे हैं तो आप पेंसिल को मोटा पतला कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट टूल का यूज कर रहे हैं तो आप फॉन्ट के थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और टूल्स के ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे अलग अलग सिलेक्शन के टूल्स हैं, इनका यूज कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट रीजन, अगर आपको पर्टिकुलर रीजन सिलेक्ट करना है तो इस तरह से आप रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट रेक्टेंगल टूल मिल जाएगा, वर्टिकल स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाएंगे सिलेक्शन के लिए, वो आप यूज कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे आपको कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, रीडू अंडू का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे आप फाइल को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, कलर्स आपको मिल जाएंगे, टूल्स आपको मिल जाएंगे, तो इनका आप यूज कर सकते हैं और फिर आप इसको सेव कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेव करेंगे तो ये एक्सजर्नल के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा ताकि आप उसको नेक्स्ट टाइम एडिट कर पाएं। अगर आप एक्सपोर्ट कर देंगे तो फिर आप इसको एक ऐसी फाइल में कन्वर्ट कर देंगे जिसको आप एडिट नहीं कर सकते। एक्सजर्नल के फॉर्मेट में सेव करने का मतलब होता है कि वो उसके रॉ फॉर्मेट में है। अगर आप उसको आगे वापस एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट कर देंगे तो वो एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको आप प्रॉपरली एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एक्सजर्नल का यूज कर सकते हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो आज जो मैंने आपको बताया वो इस सॉफ्टवेयर की एक छोटी सी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप पीडीएफ या इमेज को एनोटेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं इस सॉफ्टवेयर को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि आपका जो काम है पीडीएफ को एनोटेट करने का वो इजीली से हो पा रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए ट्यूटोरियल के साथ में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम। Thank you.